नहीं सकता। देखा, गिर गया ना मुंह के बल। ओए सिंह रुक जा। अरे क्यों मुझे थका रहा है? सूप देखने के बाद मेरे मुंह में पानी आ गया। इसे टेस्ट करने के बाद ही मुझे चैन मिलेगा। रुको, अभी इसमें एक चीज की कमी है, काली मिर्च। और मुझे एक हिसाब बराबर करना बाकी है। बहुत दिनों से हाथों की मरम्मत नहीं हुई। शेर को मुझे छोड़ दो, मरीना बचाओ। इतना अच्छा सूप मैंने जिंदगी में नहीं पिया। इसे तो पूरा पी के ही रहूंगी। ओह, मैडम जी को सूप इतना ज्यादा पसंद है। फिर तो मैं शेफ बनके पूरी जिंदगी इनके लिए सूप ही बनाऊंगा और इनाम में एक एक किस पाऊंगा। जेग, मेरे प्यारे दुश्मन, ओए, इसकी तो सांस ही अटक गई है। इसे ऑक्सीजन देना पड़ेगा। ऑक्सीजन कुछ ज्यादा ही हो गया, आधा कम करना पड़ेगा। मुझे अच्छा शेफ बनने में मेरी मदद कर दे। ना ना मुन्ना, कभी नहीं। क्या कहा? मतलब हमेशा करूंगा। सबसे पहले मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि सब्जियां कैसे काटते हैं। जिसे सब्जियां काटने आ गया तो समझ लो वो शेफ बन गया यार। चलो मेरे शागिर्द शुरू हो जाओ, इसे काट के दिखाओ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ओए, ये ककड़ी है या खिलौना? कट क्यों नहीं रही? अरे ये क्या मजाक है? नाचना चले आंगन टेढ़ा, अब मरीना बनेगी मेरा खाना। हाथ से नहीं तो लात से इसे काटूंगा। और ये क्या हो गया? फिक्र मत कर, जब तक मैं शेफ ना बन जाऊं मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। अब सुन ले दूसरी बात, तुम्हें अंडे का फंदा सीखना होगा। घंटों का काम मिनटों में, मतलब झटपट एग रोल तैयार। ओए, अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। खाना बनाना उतना आसान नहीं जितना तुम समझ रहे थे। मैंने कहा था ना यार। देख, तुमने बनाया हुआ एग रोल मैं टेस्ट करती हूँ। और मैं तुम्हें टेस्ट करूँगा। और जल्दी अंडा दे, वरना मैं जिग की हड्डी पसली एक कर दूंगा। मैं भी देखता हूँ तू मुझे अंडा कैसे नहीं देती। अंडा दे, दे बोला ना। ले ले पागल सन की शेफ, और मेरी जान छोड़। और मिल गया अंडा। देखता हूँ मैं इसका क्या बना पाता हूँ। मैडम जी, ये आपके लिए है। शेर को तुमने इतना सा ऑमलेट बनाने के लिए कितनी मेहनत की, ये टेस्टी है। थैंक यू मैडम जी। मैं टेस्ट करके बताता हूँ। छे, इतना बकवास अंडा, ये क्या है यार? और ये कैसे हो गया? तुम शेफ नहीं बन सकते। अब तीसरी सबसे जरूरी डिश, हरा भरा चिकन कबाब। चिंग चैंग चोंग, हिम क्रीम बूम टेन 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 टेन। वाओ, मैं अभी अगर ये डिश नहीं बना के दिखाई तो मैं तुम्हारा नाम बदल दूंगा। देखते जाओ शार्क को दी ग्रेट का कमाल। बोलो मत काम करो, बिना रेसिपी के कैसे बनाओगे हरा भरा चिकन कबाब? हरा भरा चिकन तो बताना है, लेकिन जला हुआ जिग कबाब जरूर बना दिया। मैडम जी, only for you। ओ शाको, तुम्हारी मेहनत तो कलरफुल लग रही है। टेस्टी। इसने तो मुझसे भी अच्छी डिश बनाई है, लेकिन मैं इतना अच्छा नहीं हूँ ना।
छे, ये भी कोई खाना है? थूकने का भी मन नहीं कर रहा। डाल दो इसे कचरे के डिब्बे में। लेग, तुमने क्या किया? ओए, मैं तुमसे बड़ा शेफ हूँ। तुम मेरे शागिर्द हो, तुमसे बड़ा शेफ मैं हूँ। दोनों टोपी पहनाने में माहिर है। हर काम इतना आसान नहीं होता और सिर्फ बड़ी टोपी पहनने से कोई शेफ नहीं होता। युकी, ये दोनों तो लड़ाई में बिजी हैं। मुझे ही कुछ बनाना पड़ेगा। बर्गर? और इस बर्गर में क्या रखा है? असली मजा तो मेरे बनाए बर्गर में होगा। मैं भी ऐसा बर्गर बनाऊंगा कि खाने वाले उंगलियां तक खा जाएंगे यार। बाय वन गेट वन फ्री ऑफर का मजा लूटो। अब मैं बनाऊंगा मोमोज टमाटो सॉस मार के ना, और मैं बनाऊंगा टेस्टी फ्रेश वेजिटेबल सलाद काली मिर्च मार के। अरे हटाओ सब, हमको तो बनाना ही पसंद है। तुम भी जिस और शर्को की इस शेफ पंती का मजा लो। ओए, मैं एप्पल मिल्क शेक बनाऊंगा। मैं एप्पल का अचार बनाऊंगा। मैंने बनाया एप्पल जी केक। वाओ, मैंने एप्पल शर्को के। और मैं बना के लाई हूँ टेस्टी यम्मी चॉकलेट केक। अरे ये भी कोई केक है? ना डिजाइन, ना प्रेजेंटेशन। बोले तो चल बेटा, सर्किट शुरू हो जा। आज तेरा इम्तिहान है भाई। पहले शर्को का केक टेस्ट करता हूँ। बोले तो अब जिग की बारी। पसंद आया ना? बोले तो आप मरीना का चॉकलेट केक, वो भी फ्री में। युकी, कैसा लगा केक सर के? बोले तो इस केक में माँ की ममता कूट कूट के भरी है भाई। इसकी ये केक बहुत ही मीठी और टेस्टी है। यम्मी। मम्मी, बोले तो आई मिस यू। आई इन बंदरों से ज्यादा टेस्टी केक मरीना का है, इसलिए इनाम मरीना को मिलता है भाई। मैं कॉन्टेस्ट जीत गई। तुम दोनों मुंह खुला रख के क्या देख रहे हो? इस पर डिजाइन बनाने आया हूँ। आप बन गई परफेक्ट डिजाइन। मरीना नहीं तो उसका केक ही सही हो। मैडम जी, तो क्या तुम उनका केक तक नहीं खा पाएगा? लव यू मैडम जी। शहर में होने वाला है मिस आइलैंड कॉन्टेस्ट। शहर के कोने कोने का तो पता नहीं, लेकिन आइलैंड की लड़की आ जाए तो भी बहुत है। मैं चाहता हूँ इस कॉन्टेस्ट में मैडम जी भी हिस्सा ले। मैडम जी एक सेल्फी हो जाए। दोस्तों, कैसी लग रही है मेरी दोस्त? ये सपना सच हो जाएगा तो कितना मजा आएगा। मैडम जी, ये पेड़ क्यों उठा कर लाए? इन सबको छोड़ो, इस कॉन्टेस्ट में आप भी हिस्सा लो मैडम जी। नहीं मैडम जी, मैंने आपके लिए रो रो के टब भर दिए। ठीक है। और ये हुई ना बात। सर, मैं भी तो देखूं मसला क्या है। सर की भेजे में भुर्जी पक गई ना। मैडम जी, अच्छे से तैयार होना, अपने आइलैंड का नाम रोशन करना। ओए, इसे तो मैंने परी बनने के लिए कहा था, ये तो भूतनी बन गई। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैडम जी, बात को समझा करो। कॉन्टेस्ट का मतलब होता है आपके हुनर और सुंदरता का प्रदर्शन। इससे आपका टैलेंट सबको दिखेगा मैडम जी। ओए, ये तो डमी है। मैडम जी कहाँ चली गई? ओए, ये जिग फिर बिल्ली की तरह रास्ता काट गया। ओए, मैडम जी को कहाँ लेके जा रहा है? मैडम जी को छोड़ दे। ये लो, ऐश करो। रुक, मैं तुझे ऐश कराता हूँ। बोले तो भाई, इस मेकअप में थोड़ी सी कमी है। अब मैं आपकी खूबसूरती में 10 चांद लगा देता हूँ भाई। आखिरकार जिस दिन का इंतजार किसी को भी नहीं था, वो दिन आ ही गया। हेलो दोस्तों, मैं हूँ टूटी फ्रूटी।
चलो और घर जाके सो जाओ। हेलो, मैं अरे बेली दीवानी मस्तानी। पेट में हाथ नहीं मुंह में दांत नहीं, चली है दीवानी बनने। हेलो दोस्तों। ओ मैडम जी जजेस, ये मैडम जी हैं। याद रखना, मैडम जी को जितवाना ही है। मैडम जी मैडम जी मैडम जी मैडम जी, ओए! दोस्तों, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। तेरे प्यार का गुब्बारा फूट गया। बोले तो बहुत सही जा रहे हो भाई। कॉन्टेस्ट का सेकंड राउंड है डांस राउंड। जिसके पाव रुके वो कॉन्टेस्ट से बाहर। शार्को, मुझे डांस नहीं आता, अब मैं क्या करूं? मैडम जी टेंशन मत लो, सिर्फ मुझे फॉलो करो। तुम उसे फॉलो करो और मैं तुम्हें फॉलो करता हूँ यार। इस कराटे स्टेप में तो मैं माहिर हूँ। के साथ साथ ये राउंड भी खत्म। सड़े हुए अंडे टमाटर खाने से पहले निकल लो भाई। इस राउंड में अपना टैलेंट दिखाना होगा। उसे कहते हैं बंदर कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए, गुलाटी मारना नहीं भूलता। डाल डाल फिश। छोटी जरूर हूँ लेकिन कारनामे बड़ी बड़ी करती हूँ। छोटा पैकेट छोटा धमाका। मैं अच्छे अच्छों के नट बोल्ट टाइट कर सकती हूँ। मैडम जी मैडम जी। अब मैं तुम सबको जूस पिलाऊंगी। कैसा लगा जूस? ओ मैडम जी, ये क्या बचपना है? आप इन्हें कोई अच्छा सा गाना सुना दो। ऑल द बेस्ट मैडम जी, शुरू हो जाइए। ना कोई स्टंट है, नमस्ते। इतने अच्छे गाने के लिए तालियां तालियां। अगर अब भी से रोका नहीं गया तो लोग गालियां देंगे। क्योंकि माइक तो बंद था। ना कोई स्टंट है, ना कोई मस्ती। अरे बंद कर अपना बेसुरा गाना, मेरा हार्ट फेल होते होते बच गया यार। वाह, क्या स्टंट था, हंस हंस के पेट फट गया। आज मैं तेरे येलो टूथ को ब्लूटूथ बनाकर मोबाइल में डाल दूंगा। अरे कहाँ गायब हो गया? ये तो यहाँ छुपा है। ओए डाक पगले, लेकिन मैं तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। आज मैं तेरे हाथ नहीं आऊंगा यार। ये गाउन कहाँ से आई? ओए केकड़े, इसकी थोड़ी सी कटिंग कर दे। थैंक यू हनी, अब मैं उस जिग को पिलाऊंगा पानी। शाको, थोड़े से मेकअप की कमी है यार, वो भी पूरी कर लो। वाह, तूने तो मिस यूनिवर्स को भी पीछे छोड़ दिया। वाह, इसकी ब्यूटी तो सबको फूल बना देगी यार। समझ नहीं आ रहा है कि इससे पीछे छुड़ाओ तो छुड़ाओ कैसे, बचाओ। मैडम जी, मैंने आपको बचा लिया। ये मैं कहां पहुंच गया? वही जहां तुझे मरीना को भेजना था। तेरी ब्यूटी की चमक ने इनकी आंखों को चकाचौंध कर दिया है। यही है मिस आइलैंड। मैडम जी प्लीज, मुझे शर्मिंदा मत करो, ये ताज आप पहन लो मैडम जी। नहीं, इसके असली हकदार तुम हो, इसके लिए जोरदार तालियां। पतली गली पकड़ लेता हूँ यार। कहाँ जा रहा है? तेरी वजह से मैं इतना फेमस हो गया, सबको हेलो तो बोलो। ओए
आज आइलैंड पर सभी अपने अपने काम में बिजी है और शार्को हमेशा की तरह पड़ोसी के घोड़े बेच के खर्राटे लेने में बिजी है। सब कुछ ठीक तो है ना? भाई बोले तो यहीं पर लैंड हो जाओ। मरीना, बाकी की बुक अंदर जाके पढ़ लेना। मैडम जी मैं आ रहा हूँ। अरे ये बत्ती किसने बुझा दी? देखा शार्को, जोश महोश खोने वालों का यही अंजाम होता है। यम्मी डोनट, मेरा डोनट कबूतर उड़ा ले गया। लेकिन तुम मुझे क्यों उड़ा रहा है? साइड से निकल जाता हूँ। ओए पापा, तूने म्यूजिक चेंज करके अपने लिए मुसीबत ओढ़ ली है, लेकिन अब ये एरोबिक नहीं कराटे भी करेगी। ओए मैडम जी को छोड़ छोड़। पापा, शार्को, आज किस्मत और वक्त दोनों ने तेरा साथ नहीं दिया। जिग ने मरीना को खा लिया, तूने आज बहुत देर कर दी। ये क्या किया? जिग मैडम जी को बाहर निकाल। अगर तू मैडम जी को बाहर नहीं निकालेगा तो तू भी इस दुनिया से बाहर जा। मैडम जी, अब आपके बिना इसे मैं किसके बालों में सजाऊंगा? मैडम जी, मेरा बरसों का सपना सच हो गया, मैंने मरीना को खा लिया। यार मरीना के जाने के गम ने शार्को को अकेला और तन्हा कर दिया है। ये आवाज तो वैम्पायर की है और उसके हाथों में एक रिवाइंड रिमोट भी है, जिससे एक ही सीन को बार बार देखकर ये इतना खुश हो रहा है। शार्को के दिमाग की बत्ती जले, दिल में खुशी की हवा चले। इसकी जरूरत तुम्हें नहीं, मुझे है। जब तक मेरा काम नहीं हो जाता तुम इस टीवी से काम चला लो। इसके जरिए मैं मैडम जी को वापस ला सकता हूँ। मैं तो सच में रिवाइंड में पहुंच गया। ओए बल्ले 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 बल्ले, ये देखो सिक भी आ गया। मरीना, बाकी की बुक अंदर जाके पढ़ लेना। ओए सिक, इस बार मैं मैडम जी को बचा ही लूंगा। हट जाओ मेरे रास्ते से। सिक, जान प्यारी है तो मैडम जी को छोड़ दे। शार्को तू लाख कोशिश कर ले, लेकिन होनी को कोई नहीं टाल सकता। ओए, मैंने ये क्या कर दिया? फिर से मुझे सीन रिवाइव करना होगा। ए, मरीना, इस बार मैं सुपर हीरो बनके मैडम जी को बचा ही लूंगा। मरीना को बाद में बचाना, पहले अपना बैक साइड संभालना। ओए बंद कर अपना शटर। अरे पूरे मोहल्ले को ऊपर भेजेगा क्या? शार्को, तू इस बार भी मरीना को बचाने में असफल रहा। पापा कहते थे ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई। ओ मरीना, क्यों हमें बार बार परेशान कर रहा है? फिर से सीन को रिवाइंड करता हूँ। ओ मरीना, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूँगा। ओए छोड़, अरे मुझे कहाँ लेके जा रहा है? मैं आ रहा हूँ मैडम जी। ओए छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैडम जी को बचाना है। शार्को, ये रिवाइंड फॉरवर्ड का खेल कब तक खेलता रहेगा? जल्दी कुछ कर, वरना मरीना के गम में पूरी जिंदगी पड़ेगा तुझे रोना। वाओ, मरीना को खाने में आज तो मजा आ गया यार। मैं थक चुका हूँ, इस रिमोट में ही कोई प्रॉब्लम है। अरे अपना गुस्सा इस रिमोट पर क्यों उतार रहा है? देख लिया अंजाम? ओए, अब तो मशीन भी नहीं रही। जेग आ गया, अब मैं मैडम जी को कैसे बचाऊंगा? मैडम जी! मरीना, बाकी की बुक अंदर जाके पढ़ लेना। शार्को, तेरे पास मरीना को बचाने का ही आखिरी मौका है।
अपना दिल की धड़कन संभाल और मरीना को बचा ले। मैडम जी, आपके साथ बिताया हुआ वो हर एक पल में कैसे भूल सकता हूँ। आपका खूबसूरत चेहरा मेरे दिल में बसा है मैडम जी। इस बार मुझे जोश नहीं, होश से काम लेना होगा। मेरा दिल भी उछल उछल कर यही कह रहा है। इस बार नो मोर टियर, नो मोर फियर। जिक की स्टोरी का करूंगा हमेशा हमेशा के लिए क्लियर। मैं तुम्हारी पेंटिंग पूरी कर देता हूँ। कैसी लगी पेंटिंग? और शाकी बेबी, तुम्हारा डोनट इस बार कोई कबूतर नहीं खाएगा। ये तो जीरा से हरा बन गया। गर्ल्स, एरोबिक में शार्पनेस जरूरी होती है। कहते हैं अगर इरादे नेक हो तो सारी कायनात आपकी मदद करती है। इस बार दुनिया की कोई भी ताकत आपको बचाने से मुझे नहीं रोक सकती। और मैंने मैडम जी को बचा लिया। युकी, शार्को को ये क्या हो गया? मैडम जी, मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। मैडम जी, शार्को, तुम्हारा दिल कितना जोर से धड़क रहा है, इससे अपनी धड़कनें सुनना। बाय बाय। इस रिमोट को क्या हो गया? चलो इस केले के छिलके से गिर के दिखाओ। इस सीन को फिर से दोहराओ। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा बाराना यार।